तो दोस्तों मैं डेली एक से दो चैनल ऐसा देखता हूँ जिसमें एक कॉमन मिस्टेक सेम होती है, और वो ये है कि आप हैशटैग को बहुत गलत तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन में लगाते हो, जिससे कि आपके चैनल को कोई बेनिफिट्स नहीं और मिसलीडिंग मेटा डेटा के कारण आपके चैनल को डीमोनेटाइज भी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको हैशटैग यूज करने का बिल्कुल सही और प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हैशटैग हम लगाते क्यों हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। देखिए, अगर हम ट्विटर की बात करें तो हैशटैग लगाकर ही किसी भी चीज़ को ढूंढा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर भी हैशटैग आया, ऐसे करीब सभी सोशल मीडिया पर हैशटैग चलता है। तो ऐसे ही यूट्यूब ने सोचा कि हम भी हैशटैग यूज करेंगे। आप जैसे ही यूट्यूब पर हैशटैग सर्च करोगे, एग्जांपल में आपने सर्च किया हैशटैग ऑनलाइन अर्न मनी, जितने भी वीडियोज होंगी वो आपके अलग से दिखाई देंगी जिसने भी वो हैशटैग को यूज किया। अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बताऊँगा। पहला तो इसका रूल क्या है, अपने वीडियो में हैशटैग को कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा कि आप हैशटैग को कैसे फाइंड कर सकते हैं ताकि आपके वीडियो का SEO अच्छा हो जाए और कोई रूल भी आपसे ब्रेक ना हो। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जब भी आप हैशटैग लगाते हो या तो टाइटल में लगाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लगाइए। कई लोग दोनों जगह भर देते हैं जो कि रॉन्ग है। टाइटल में जो लिमिट है हैशटैग लगाने की वो मैक्सिमम 3 है और डिस्क्रिप्शन में जो लिमिट है हैशटैग लगाने की वो मैक्सिमम 15 है, समझ गए। यानी कि टाइटल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 हैशटैग आप लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 हैशटैग लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और दोनों में से किसी एक ही में हैशटैग का यूज कीजिए, या फिर टाइटल में या तो फिर डिस्क्रिप्शन में। मेरी एडवाइस माने तो आप डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 ही हैशटैग यूज कीजिए, ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये तो यूट्यूब का रूल हो गया, अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो यूट्यूब की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा रूल ये है कि आप जब भी हैशटैग लगाते हो तो हैशटैग के बीच में कोई कॉमा नहीं रहता। जैसे कि हैशटैग हाउ टू ग्रो चैनल, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे हैशटैग हाउ टू ग्रो चैनल, बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा, कोई भी कॉमा नहीं होगा। एक हैशटैग कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा आप नीचे ऐसे ही लिख सकते हो कि हैशटैग अर्न मनी, अर्न और मनी के बीच में कोई स्पेस कोई कॉमा नहीं देना है। अब बहुत सारे लोग इस तरह से हैशटैग लगा देते हैं जो कि गलत है। तो कुल मिलाकर आपको ये दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, पहला लिमिट हो गया और दूसरा हो गया गैप। ये रूल आपको फॉलो करना है। बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं, टैग बॉक्स में भी हैशटैग का यूज कर देते हैं जो कि रॉन्ग है। आप वहाँ पर शॉर्ट कीवर्ड या लॉन्ग कीवर्ड दोनों यूज कर सकते हैं, सही रहेगा। अब मैं बताता हूँ कि आप ट्रेंडिंग और सर्चिंग हैशटैग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने वीडियो में हैशटैग लगा रहे हो उस हैशटैग को यूट्यूब पर सर्च करो, उसके नीचे उससे रिलेटेड सारी हैशटैग आपको मिल जाएंगी, जिससे आप इजीली अपने वीडियो के टाइटल में डिस्क्रिप्शन में यूज कर पाओगे। तो आई होप सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। बाय बाय।